Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Saman Raza and practicing as a consultant pulmonologist and medical specialist at Ali Medical Center. आप सब जानते हैं कि 12 नवंबर 2023 को वर्ल्ड नमोनिया डे मनाया गया और इसी सिलसिले में इस प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्ड करा रही हूँ. इससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. नमोनिया बेसिकली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को कहते हैं. नमोनिया को बहुत तरीक़ों से क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन मैं सबसे आसान क्लासिफिकेशन जो आप लोगों के लिए समझना आसान हो समझाऊँगी. जैसे लोग आते हैं कम्युनिटी से, इनमें जो नमोनिया होता है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया कहलाता है. इसी तरह वो नमोनिया जो किसी ऐसे शख्स को हो जो अस्पताल में 48 घंटे एडमिट रहा और उसके बाद उसे नमोनिया हो गया. नमोनिया की तीसरी किस्म वो है जो उन लोगों में होती है कि जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत किसी वजह से कम हो गई हो, या वो मुस्तकिल कोई कैंसर का इलाज ले रहे हों, या वो कोई इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस पे हों, कीमोथेरेपी ले रहे हों, या बहुत अरसे से स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे हों. इन लोगों में वो भी शामिल हैं कि जिनकी शुगर या डायबिटीज़ बहुत अरसे से अनकंट्रोल्ड है, तो इनमें भी ये वाला नमोनिया हो सकता है जो कि नमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहलाता है. नमोनिया की चौथी और आखिरी किस्म वो है कि जिसमें वो लोग जो ज़्यादा अरसे तक गुनूदगी की हालत में पड़े रहते हैं, जैसे जिनको फालिज हुआ है, जो मिसाल के तौर पर स्ट्रोक वगैरह हुआ है, तो ये वो लोग हैं, या वो लोग के जो नशा वगैरह इस्तेमाल करते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह लेते हैं, या आईवी ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो इनमें जो नमोनिया होता है वो ज़्यादातर एस्पिरेशन नमोनिया होता है. लेकिन नमोनिया की किस्में सही तौर पर आपका मुआलिज या आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है और वही सही इसकी डायग्नोसिस कर सकता है. अच्छा, अब नमोनिया की अलामात क्या हैं? तो नमोनिया की अलामात में फीवर यानी बुखार होना, सीने में दर्द होना, खांसी होना, उसके अलावा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, कमज़ोरी का एहसास हो सकता है, थकावट का एहसास हो सकता है, और भूख का ना लगना, ये तमाम अलामात नमोनिया की हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ में ये तमाम अलामात मौजूद हों. उसके अलावा कुछ ख़ास किस्म के नमोनिया हैं जो जिनकी डायग्नोसिस भी हम उसी स्पेसिफिक तरीके से बनाते हैं, उनकी हिस्ट्री बेस्ड. जैसे अगर कोई डायरिया से प्रेजेंट करे तो इनमें ख़ास किस्म का नमोनिया होता है लेजुनेला नमोनिया. इनमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो जाती है, तो ये खैर मॉलेज डिसाइड करेगा. अच्छा, अब नमोनिया की डायग्नोसिस कैसे करेंगे या इसकी तशखीस कैसे होगी? तो इसके लिए हम ख़ास किस्म के टेस्ट कराते हैं. तो उसमें एक भी अगर एक पेशेंट आता है और आपको उसका शक है कि इसमें नमोनिया है, तो आप उसके बेसलाइन टेस्ट तो तमाम करा लें. मिसाल के तौर पर ब्लड में ब्लड सीपी, सीआरपी हमें उसकी सिवियरिटी का बताएगा इन्फेक्शन की, और उसमें एलएफटीज़ हैं, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यूरिन आ रही है, और फिर स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं लाइक यूरिन फॉर लेजुनेला एंटीजन, यूरिन फॉर निमोकोकल एंटीजन, और हम ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया को देखने के लिए जो कि माइकोप्लाज्मा का फीचर है, तो कोल्ड अग्लूटिनिन टेस्ट भी कराते हैं. इमेजिंग स्टडीज़ में चेस्ट एक्सरे जो है जिसपे हमारी मेन डायग्नोसिस बनती है, तो चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं. कुछ ख़ास किस्म के मरीज़ों में HRCT की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और बाकी मरीज़ की हालत को देखते हुए टेस्ट फिर हम करवाते हैं. अब इसका इलाज क्या है? नमोनिया का इलाज मरीज़ की अलामात के हिसाब से करना है. मिसाल के तौर पर बुखार है तो हम बुखार को ट्रीट करेंगे, उसके लिए हम एंटीपायरेटिक्स दे देंगे. चेस्ट पेन है तो उसके लिए पेन किलर्स देंगे, और मेन ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं. अब एंटीबायोटिक्स में हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो अब उसके ग्रुप्स में हम मरीज़ के हिस्ट्री बेस्ड और जो हमें टाइप ऑफ नमोनिया की सस्पिशन है उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करेंगे. मिसाल के तौर पर हम जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया है तो वो तो नॉर्मली पेनिसिलिन ग्रुप से भी रिस्पॉन्ड कर सकता है या मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड कर सकता है, लेकिन अब बहुत से पेनिसिलिन ग्रुप पर रेजिस्टेंस आ चुकी है, इसीलिए हम मैक्रोलाइड या सिफेलोस्पोरिन ग्रुप से ट्रीट करते हैं. फिर
दूसरे जो नमोनियाज हैं उनमें हमारे पास और ग्रुप्स हैं, लाइक हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया में क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं इसलिए इनमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह जो आगे है उसमें हम इमीपेनम्स, कार्बापेनम्स ये मेडिसिन्स भी देते हैं, फिर पिपरसिलिन्स, टाइकारसिलिन वगैरह भी एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास, और बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन जो जीपी हजरात हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो पहले ही मरीज़ जब आपसे मुलाकात होती है तो आप पहले ही उसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ना दें, क्योंकि वो फिर मरीज़ में रेजिस्टेंस पैदा करेगा और मरीज़ को अगर कोई सख्त वाला नमोनिया होता है तो उस पर फिर ये वाली एंटीबायोटिक जो कि हमारे पास थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स हैं या फोर्थ जेनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं वो फिर इन पर असर नहीं करेंगी। अब नमोनिया से बचा कैसे जा सकता है, तो नमोनिया से बचने के लिए सबसे अहम तो ये है कि जिसको अगर कभी पास्ट में नमोनिया हुआ है तो वो नमोनिया की वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें, और वो मरीज़ के जिनमें फ्लू वगैरह अक्सर रहता है तो वो फ्लू की वैक्सीन भी ज़रूर कराएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ्लू के बाद इन लोगों में नमोनिया सिवियर किस्म का होता है, और वो एक खास किस्म का नमोनिया भी हो सकता है जैसे स्टेफलोकोकल नमोनिया। तो फ्लू की वैक्सीनेशन और नमोनिया की वैक्सीन करवानी ज़रूरी है। अच्छा, अब नमोनिया की वैक्सीन दो तरह की आ रही है, फ्लू की तो एक ही वैक्सीन होती है और दो कंपनीज बनाती है, वैक्सीग्रिप और इन्फ्लूवैक के नाम से अवेलेबल है मार्केट में, और इसमें इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू दोनों को कवर किया है। जबकि जो दूसरी वैक्सीन है नमोनिया की उसमें भी अब जो अवेलेबल है उसमें दो डोजेस सजेस्ट की जाती हैं, पहले नीमोवैक्स आती थी तो नीमोवैक्स जो थी वो हर 5 साल पे लगवानी होती थी, लेकिन जो अब वैक्सीन लगाते हैं उसमें ये होता है कि पहली डोज के तकरीबन दो महीने के बाद आपको दूसरी डोज लगेगी कि जिससे आपकी ज़िंदगी भर की बचत हो जाती है, यानी एटलीस्ट 65 ईयर्स तक तो आपको फिर दूसरी डोज रिक्वायर्ड नहीं होगी। और जो लोग अपनी किसी और रेस्पिरेटरी इलनेसेस में हैं, COPD है या एस्थमा है या किसी की डायबिटीज़ है, वो अनकंट्रोल्ड है, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को वेल कंट्रोल रखें। अच्छा, नमोनिया की सिवियरिटी को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसे कर्ब स्कोरिंग, कर्ब 65 स्कोर कहते हैं। तो उसमें हम पेशेंट की अलामात पे कर्ब यानी सी फॉर कन्फ्यूजन, U for urea, R for respiratory rate और B for blood pressure और 65 is age. तो इन चीज़ों पे हम पेशेंट की स्कोरिंग करते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि ऐसे मरीज़ का इलाज अस्पताल में करें या एज आउट पेशेंट करें। नमोनिया एक ऐसा मर्ज है कि अगर उसकी सही वक्त पर डायग्नोसिस ना हो तो वो जानलेवा भी हो सकता है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसलिए इसका बर वक्त इलाज ज़रूरी है, और कोशिश करें कि आप फौरन अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। तो जब भी आपको नमोनिया की अलामात महसूस हो तो फौरन अपने करीबी डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट से मशवरा करें। शुक्रिया।